एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा बहुत तैयार हो चुकी हूँ और ये जो पेचकी है, आप सभी तो इसको जानते हो, पेचकी जो हमारे घर पे रहते हैं, हमारा किराया, तो ये भी कहीं ना कहीं तैयार हो चुकी है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप सभी को थंबनेल देके पता लग ही गया होगा। तो चलो हम लोग घूम के आते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। तो मैंने एक चोटी बांध ली है, काफ़ी ज़्यादा धूप निकल रहा है, अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो बिना बकवास करते हुए तो चले मेरे साथ। तो रास्ते का नज़ारा आप कुछ देख सकते हो, कुछ ऐसा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। टी गार्डन ही गार्डन मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा गार्डन ही गार्डन है। देखो यहाँ पे बहुत सारे जो धान का खेती होता है ना, जो आप लोग चावल खाते हो, उसका भी बहुत सारा खेती है यहाँ पे। और रास्ता आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सुनसान है। तो अब यहाँ देखो कितना सुनसान रास्ता है और दोनों साइड में आपको पहाड़ जैसा, छोटा छोटा जो पहाड़ है ना, वैसा घने जंगल दिखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए किसान जो है वो चावल के खेती कर रहे हैं साइड में। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारा कुछ ग्रीन ग्रीन लग रहा है। और इस साइड पे ना जो आप पानी देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे मछली भी होते हैं। बहुत लोग यहाँ पे, बंगाली लोग ज़्यादातर मछली खाते हैं, कोलकाता और असम के लोग। और अगर आपको यहाँ आना है तो आपको असम में करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको आना होगा। और वहाँ पे एक शोनबिल नाम का एक जगह है, वहाँ जाओगे तो आपको ये नज़ारा बहुत ही अच्छी तरीके से दिखने को मिलेगा। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, ये शोनबिल एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड है, मतलब एक काफ़ी जानी मानी एक जगह है। यहाँ पे हर साल लाखों करोड़ों में जो मछली है यहाँ पे ले जाया जाता है, फिर बेचा जाता है। और यहाँ देखो इतना ज़्यादा बारिश हो रखा था ना एक दो हफ्ते से, कि जो पानी है वो मेन रोड पे आ गया है। यहाँ देख पूरा मेन रोड पे के बीचों बीच में आ गया है पानी। और बहुत लाखों करोड़ों मिलियन मछली यहाँ से हर महीने, हर साल लिया जाता है और बेचा जाता है मार्केट में। तो फेमस है यहाँ पे, इसको भील का भील के नाम से जाना जाता है और इस जगह का नाम शोनबिल रखा गया है। तो मतलब चारों ओर आपको पानी ही पानी नज़र आएगा, पानी ही पानी। हम लोग तो गए थे पार्क में जाने के लिए कि हम पार्क जाएंगे, झूलन वूलन है वहाँ पे चलेंगे, लेकिन पानी के वजह से सब कुछ एकदम पूरा भर गया था। और बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से यहाँ पे घूमने आए हैं, गाड़ी वाड़ी लेके, आप देख ही सकते हो। और यहाँ का लोकल जो लोग हैं वो भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बोट नाव बहुत मिल जाएगा, बहुत यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको 200-400 रुपये में आप अगर बोट पे चढ़ते हो तो आपको जो यहाँ का नज़ारा है बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हो नाव में बैठ के। और हम बीच बीच में सेल्फी भी ले रहे थे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे नाव का मेला बैठा हुआ है, इतना ज़्यादा बोट नाव ये सब है ना यहाँ पे, छोटा छोटा स्टीमर भी है आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बाइक जो लोकल एरिया से या थोड़े बहुत दूर से आ रहे हैं तो वो लोग बाइक से आ रहे हैं, कोई कोई बहुत दूर से यहाँ पे विजिट करने आते हैं कारवार लेके। मतलब यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग है, जैसे कि वर्षा काल जो बारिश वाला मौसम है तो उस टाइम पे हम लोग आए थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी ही पानी है। अगर आप सूखे टाइम पे आओगे, जैसे कि ठंड के मौसम में बारिश बारिश नहीं होता है, सब कुछ सूख जाता है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। मतलब उस टाइम पे आपको आके मज़ा भी नहीं आएगा, कुछ भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा, बंजर ज़मीन लगेगा, पानी वानी सूख जाता है उस टाइम पे ठंड के मौसम में।
अगर आप चाहते हो कि आपको ये नज़ारा देखने को मिले कि चारों ओर पानी, बोट और बहुत सारे लोग, फिर तो आपको बारिश के टाइम पे आना है, जैसे कि सावन आषाढ़ महीने में या वैसाख, जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो ज़्यादातर वैसाख महीने में बहुत कम ही होता है बारिश, 30% चांस होता है, लेकिन आषाढ़ और जो सावन का महीना होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है उस टाइम पर। तो इस समय अगर आप आओगे तो चारों ओर पानी ही पानी दिखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगता है यार दिखने में। आप देखते जाओ और यहाँ पे लोग रात को भी रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ काम वाम करते हैं, तो पार्क तो बहुत ज़्यादा डूब गया है पानी के वजह से। बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मैं कैमरे में ज़्यादा अच्छी तरीके से बोल भी नहीं पा रही थी इतने लोगों के बीच में। दो साइड पे पानी और बीच में रास्ता, ऑसम नज़ारा था, मतलब क्या ही बोलूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि बोट पे चढ़ूँ, लेकिन मेरे को डर भी लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आता और बहुत ज़्यादा पानी था। सूखा टाइम पे आता तो अच्छा होता। करूँगी यहाँ पे इतना सारा लोग तरह जी ढक्का मड़ी फैलाई थी दीदी फैलाई थी ये तो शेष कहीं नहीं शेष तो यहाँ देखिए हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम रुके नहीं, पार्क तो बंद था पानी के वजह से, सब कुछ ना जो झूलन वगैरह था सब कुछ पानी के अंदर ही चला गया था, इतना ज़्यादा ओवर पानी हो गया था। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत छूट करके आ गए, नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे थोड़ा सा सूखा सूखा टाइम पर जाएंगे कि हम अच्छी तरीके से वीडियो शूट कर पाए। वहाँ पे एक पार्क है बहुत ही सुंदर, वो भी आप लोगों को दिखा पाओ। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी कि वहाँ पे जाके अच्छी तरीके से वीडियो शूट करो। अभी तो बहुत ज़्यादा पानी पानी है चारों ओर, जब थोड़ा सा कम हो जाएगा, पार्क वार्क खुल जाएगा, तब आराम से हम लोग शूट कर पाएंगे। यहाँ देखो इतने पानी की वजह से ना रोड भी नहीं दिख रहा है, रोड भी डूब गया है। मतलब अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी यहाँ पर, पहले कभी नहीं गई, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई ज़रूर करूँगी जाने का, लेकिन पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को दिखाऊँगी। अगर मैं नहीं जा पाई तो फिर कोशिश तो करूँगी ही करूँगी मैं 100% कि मैं जाऊँ, और वो पार्क मुझे देखने को बहुत ज़्यादा मन है इसीलिए। तो ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।